हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चलिए बात कर लेते हैं नॉर्थन कोल फील्ड्स लिमिटेड यानी NCL। ये यहाँ से बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुई है। NCL को 839 पोस्टें चाहिए, और जिसके लिए आपको 10th पास है तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर 10th पास के साथ साथ में आपने ITI सर्टिफिकेट भी है आपके पास, तो ज़रूर अप्लाई करिए। और 10th पास हैं और आपके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस है यानी हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। चलिए देख लीजिए आपको अप्लाई कैसे करना होगा। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये NCL की ऑफिशियल वेबसाइट का होम पेज है, और यहाँ पर इसने दे रखा है, पहले ही यहाँ पर पोर्टल दे रखा है कि यहीं से डायरेक्ट आप ऑफिशियल होम पेज से ही अप्लाई कर सकते हैं। वेलकम टू ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल टू ये NCL, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कैसे आपको ऑनलाइन करना है, और कोई भी समस्या हो तो यहाँ पर देखिए, ये एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर दे रखा है, और इस वैकेंसी के लिए एडवर्टाइजमेंट ये दो दे रखे हैं, ठीक है ना। एक ये है और सेकंड वाला ये है, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड करके जो भी इंस्ट्रक्शन है वो फॉलो कर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए अगर आपको समस्या आ रही है तो यहाँ पर आपको हिंदी में इंस्ट्रक्शंस अगर फॉलो करने हैं तो हिंदी के इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर दिए गए हैं फॉर्म भरने के लिए, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लीजिए कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि आपको ध्यान देने होंगे। स्टेप फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक पासवर्ड गेन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना नाम डालेंगे जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में दिया गया होगा, फादर नेम सारी डिटेल्स फिल करने के बाद में आपको एक पासवर्ड भी अपना चूज़ करना होगा, जिसमें पासवर्ड चूज़ करते समय ध्यान देना होगा कि एक आपका अल्फाबेटिकल होना चाहिए, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि ऐसा नहीं है कि आपने केवल न्यूमरल ही डाल दिए हैं, नंबर ही डाल दिए हैं, ठीक है, यानी 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कोई नंबर डाल दिया है, नंबर ही सारे डाल दिए हैं पासवर्ड में, ऐसा नहीं है। मिसलेनियस पासवर्ड होना चाहिए जो कि उसने बता रखा है, ठीक है। कम से कम लीस्ट 1 अल्फ़ाबेट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 1 अल्फ़ाबेट हो उस पासवर्ड में, और कम से कम 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये करने के बाद में रजिस्ट्रेशन जब आपका हो जाएगा तो आपकी ईमेल पे, जो आपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपना डाला होगा, उस पे आप यूज़र नेम देखेंगे और पासवर्ड आपको आ जाएगा। तो आपको लॉगिन कैसे करना है, देखिए लॉगिन करने के लिए आपको ये ध्यान देना होगा, जो आपकी ईमेल आईडी थी वो आईडी आपको डालनी होगी, अपनी ईमेल आईडी, और आपको पासवर्ड डालना होगा जो आपके ईमेल पे आया होगा, ठीक है, इस NCL के थ्रू। ये आपको स्टेप यहाँ से कंप्लीट करना है। लॉगिन करने के बाद में स्टेप 3 पे आना है, लॉगिन करना है, स्टेप सेकंड आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप जो भी करना है वो 3 में है, ठीक है। तो इसमें आपको सारा फिल कैसे करना है फॉर्म, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टेप 3 में ही सारा प्रोसेस करना है। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सारा डिटेल जो पहले आपने फिल कर रखा था रजिस्ट्रेशन के समय, और उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अपनी फ़ोटो की स्कैन करनी है, जो कि आपको सेल्फ साइंड करनी है, मतलब स्व प्रमाणित फ़ोटो। इसमें आपको 20 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए, वो आपको इसमें, ठीक है, चाहिए होगी फ़ोटो आपको स्कैन करनी है, क्लियर। उसके बाद में क्या करना है ये ध्यान देना, ऑल एजुकेशनल जो आपकी मार्कशीट्स हैं उनके परसेंटेज सारे आपको उसमें मार्क्स डालने हैं, ठीक है, सारे वही फिल करने जो देख लीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और फिर उसके बाद में आपको पेमेंट पे ध्यान देना है कि पेमेंट कैसे होने वाली है। पेमेंट जो होगी वो आपकी एप्लीकेशन फ़ी इज़ ऑनलाइन पेमेंट होगी, और ये ध्यान रखिए कि जो पेमेंट होने वाली है वो जनरल कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी की बात करेंगे तो इनको ₹500 एप्लीकेशन फ़ीस देनी है, SC ST के लिए कोई फ़ीस नहीं लग रही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ द फ़ोटो, यानी जो आपने फ़ोटो क्रॉप की हुई थी वो आपको फ़ोटो स्कैन करनी है। आफ्टर कंप्लीट द फिलिंग एप्लीकेशन द सिस्टम जनरेटेड द एप्लीकेशन ID। जैसे ही आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा, लास्ट टाइम पे आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी, ठीक है, जिसको हम लोग रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, वो एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी जनरेट होकर के, जो प्रॉपर एक एप्लीकेशन आईडी होगी आपकी, ठीक है ना। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, एप्लीकेशन पूरा फिल हो जाएगा और आपको PDF मिल जाएगी, जो कि आप लोग संभाल के रखिएगा, और फ्यूचर में एडमिट कार्ड होगा या अदर डिटेल के लिए, अदर आपको कुछ भी डाउनलोड करना है या कुछ जानकारी चाहिए, एप्लीकेशन स्टेटस चेक करना होगा, उसके लिए आपको यूज़र
आईडी आपको ध्यान रखनी होगी, ठीक है, यूज़र आईडी जो आपने ईमेल आईडी डाली होगी वो होगी, और पासवर्ड आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है, ठीक है ना। चलिए, कोई क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने टेंथ पास कर रखा है, ध्यान से सुन लीजिए, टेंथ पास कर रखा है या फिर आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है तो आप लोग ज़रूर अप्लाई करें, ठीक है। और इससे भी अच्छी बात यह है कि उनके लिए भी अच्छी वैकेंसी है जिनके पास HMV हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस है, उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और टेंथ पास के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है। तो इस रिक्रूटमेंट को छोड़े नहीं, ज़रूर डालें, ठीक है ना। चलिए, कोई भी क्वेरी हो तो पूछने का, और वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।